Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.2, question number 10. Question number 10 mein hai, question number 10 ke A part mein hai, find two vectors of length 2 parallel to the vector V. ठीक है, मतलब के हमें length दी हुई है, magnitude दी हुई है vector की, magnitude is equal to 2 है, और साथ में हमें कहा हुआ है, के पैरेलल होना चाहिए इस वेक्टर के, v is equal to 2i minus 4j plus 4k. ठीक है, तो हमने दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिसकी लेंथ 2 हो और उसका जो है उसकी डायरेक्शन v के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, मतलब के v के पैरेलल होना चाहिए वो दोनों वेक्टर्स. तो लेट u एंड w be the vectors. ठीक है, u और w जो हैं वो वेक्टर्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं. ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड 2 होगी और इसके पैरेलल होंगे. तो u इज इक्वल टू होना चाहिए 2 उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, और साथ में उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, v की डायरेक्शन होनी चाहिए. ठीक है, v की डायरेक्शन में तो v वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे, v हैट. ठीक है, डायरेक्शन उसी की, मतलब के v का जो है हम निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, u वेक्टर बन जाएगा. सही है, और हमें कहा हुआ है कि दूसरा जो वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड 2 है और इसके पैरेलल है. ठीक है, तो दूसरा वेक्टर हम w ले लेंगे और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी 2 होगा. सही है, और साथ में उसका यूनिट वेक्टर v हैट ही हम यूज करेंगे, लेकिन वो इसके हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो मतलब के माइनस वी हैट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेक्टर तो पैरेलल रहेगा, इसका रहेगा. ठीक है, वी वेक्टर के पैरेलल ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. मतलब के अगर ये एक वी वेक्टर है, ठीक है, ये वी वेक्टर है, तो यू वेक्टर क्या होगा, ये यू वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो v के ही डायरेक्शन में है, और साथ में w वेक्टर क्या होगा, ये w वेक्टर है. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 2 ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस v हैट. ठीक है, तो माइनस v हैट है तो उसके पैरेलल ही, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है. ठीक है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो कि हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर फाइंड किया था इंट्रोडक्शन में, वही कॉन्सेप्ट इसमें है. ठीक है, कि माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई किया, वी हैट हमने निकाल लिया. ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास आ गई दोनों वेक्टर्स की. ठीक है, एक की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव रहने दिया, दूसरे की डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कर दिया, तो दोनों वेक्टर्स वी वेक्टर के पैरेलल ही हैं, लेकिन एक डायरेक्शन जो है उसके वी की डायरेक्शन में और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों वैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, यू और वी. ठीक है, यू किस तरह आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे v वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, और w हम किस तरह फाइंड करेंगे, 2 मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस v हैट के साथ, तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स u और v आ जाएंगे जो इस पार्ट में रिक्वायर्ड हैं. तो पार्ट b में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट b में, के फाइंड द कॉन्स्टेंट a सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल. ठीक है, हमें कहा गया कि हमें दो वेक्टर्स गिवन है. ठीक है, एक v वेक्टर है और एक w वेक्टर है. तो v वेक्टर मैं लिख देता हूं, v वेक्टर क्या है जो हमें गिवन है, v वेक्टर इज इक्वल टू है i माइनस 3j प्लस 4k, i माइनस 3j प्लस 4k. ठीक है, ये v वेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में, और w वेक्टर भी हमें गिवन है, वो है ai प्लस 9j, ए आई प्लस 9j माइनस 12k, ये हो गया w वेक्टर. ठीक है, एक u v वेक्टर हमें गिवन है और एक w वेक्टर गिवन है. हमें कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, मतलब कि v वेक्टर इज पैरेलल टू w वेक्टर, और साथ में हमें कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, ये a की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, ये तो 9 है. ठीक है, और ये a जो है एक वेरिएबल है, मतलब के है तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ठीक है,
तो ये किस तरह आएगा, इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे कि V इज पैरेलल टू W. V इज पैरेलल टू W का क्या मतलब है कि V इज इक्वल टू होगा सी डब्ल्यू के, ठीक है, या तो ये सी वन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और वैल्यूज की हो सकती है, क्योंकि दो वेक्टर्स पैरेलल तभी होते हैं जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं. तो सी जो है एक कांस्टेंट है, उसको हमने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर भी वो वी के पैरेलल रहेगा, ठीक है. तो ये इस तरह से ये वी और डब्ल्यू पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्केलर मल्टीपल हैं. तो अब यहां पे हम वी की वैल्यू पुट करते हैं. वी वेक्टर क्या है, आई हैट माइनस थ्री जे प्लस फोर के, सही, तो इज इक्वल टू है सी इंटू डब्ल्यू. सी इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, ए आई प्लस नाइन जे माइनस ट्वेल्व के. अच्छा, अब यहां से हम इस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर इस वेक्टर के साथ, ठीक है. तो ये बन जाएगा सी ए आई हैट प्लस नाइन सी जे हैट माइनस ट्वेल्व सी के हैट इज इक्वल टू वी वेक्टर है, जो कि है आई हैट माइनस थ्री जे हैट प्लस फोर के हैट, ठीक है. अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, ठीक है. एक वेक्टर लेफ्ट साइड पे है, एक वेक्टर राइट साइड पे है, दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं. तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल होने का मतलब ये है कि उनके कंपोनेंट जो हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब कि एक्स कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट, और इसका वाई कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इसका वाई कंपोनेंट, और इसका जेड कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इसका जेड कंपोनेंट, तब जाके ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे. दरमियान में इक्वल का साइन है, उसका मतलब भी ये है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हो गए हैं, ठीक है. तो अब यहां से हम कंपेयरिंग कंपोनेंट्स करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, ठीक है. तो I hat इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा, सही. तो इस तरह से माइनस थ्री जे इक्वल हो जाएगा नाइन सी जे के, सही. और थर्ड वन क्या है, फोर के इक्वल हो जाएगा माइनस ट्वेल्व सी के, सही. अब यहां से I, J और K ये तो हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे आ रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं. आई आई से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पर डिवाइड कर रहे हैं जाके, तो फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा, सही है. तो हमारे पास बचा क्या पीछे, वन इज इक्वल टू सी ए, और माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन सी, और फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व सी. अब यहां से सी और ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है. तो ए इज ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए इज इक्वल टू वन बाय सी, ठीक है, ए इज इक्वल टू वन बाय सी आ जाएगा. और यहां से सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय नाइन, ठीक है. और यहां से भी सी इज इक्वल टू फोर बाय माइनस ट्वेल्व, ठीक है. अब यहां से a इज इक्वल टू वन बाय सी, यहां से तो अभी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं. और यहां पे देखें c की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय माइनस वन बाय थ्री, तो c इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, ठीक. और इसको भी अगर हम सॉल्व करें, फोर वन से फोर एंड फोर थ्री से ट्वेल्व, तो c इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री. मतलब कि c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि है माइनस वन बाय थ्री. इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में. तो a इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है माइनस वन बाय थ्री, ठीक है. तो जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस थ्री. ए की वैल्यू ही हमने इस पार्ट में फाइंड करनी थी, ठीक है, जबकि हमें गिवन था कि दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. हमने एक दूसरे को उनको एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रखा, ठीक है, इक्वल रखा. तो फिर हमने यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हम अपने क्वेश्चन नंबर टेन के ही पार्ट सी पे आते हैं. पार्ट सी में हमें कहा गया है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, जिसकी लेंथ फाइव होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन
अपोजिट टू द वेक्टर वी, वेक्टर वी के अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर वी आपको गिवन है इस पार्ट में, वेक्टर वी इक्वल है आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, ये वेक्टर वी गिवन है। और हमें कहा है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है, लेट जो हमने वेक्टर फाइंड करना है वो यू है। ठीक है, ये वेक्टर हमने फाइंड करना है, तो हमें कहा क्या गया है कि यू वी और यू एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन वो उनकी डायरेक्शंस आपस में इक्वल है, मतलब कि वी वेक्टर ये है अगर तो यू वेक्टर ये होगी। ठीक है, ये वी वेक्टर है तो ये यू वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहां से हम किस तरह से फाइंड करेंगे इस यू वेक्टर को, कि हमें मैग्नीट्यूड तो गिवन है, यू वेक्टर किसके बराबर होगा, यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर किस तरह से आएगा, यूनिट वेक्टर इसके नेगेटिव, इसके जो यूनिट वेक्टर है उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब के डायरेक्शन अगर देखें तो इन दोनों की ऑपोजिट है, तो मतलब के इसका अगर जो वी हैट है, ठीक है, मतलब कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इसके नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो फिर बनेगा जाके इसका यूनिट वेक्टर। मतलब कहने का मतलब यह है कि यू हैट बराबर होगा माइनस वी हैट के। ठीक है, क्योंकि पैरेलल तो हैं, दोनों की डायरेक्शन बस ऑपोजिट है, इसलिए उसका नेगेटिव, उस वी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लें तो यू वेक्टर के यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यहां से हम माइनस वी हैट फाइंड कर सकते हैं, पहले वी हैट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे तो वी हैट आ जाएगा, यानी कि वी यूनिट वेक्टर आ जाएगा, उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी हैट बन जाएगा जो कि यू हैट के बराबर आ जाएगा। फिर यहां से हम मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ठीक है, फाइव, और साथ में फिर यू हैट हम यहां से फाइंड कर लेंगे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यही हमने इस क्वेश्चन में पार्ट सी में करना है, तो वो आप खुद से करेंगे, मैंने प्रोसीजर बता दिया। अब हम आते हैं पार्ट डी पे, इस क्वेश्चन के पार्ट डी में हमें क्या कहा गया है कि आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज कहां से फाइंड करनी है, कि दो वेक्टर्स जो हैं आपको गिवन हैं वो पैरेलल हैं, मतलब कि एक वेक्टर हमें गिवन है, लेट उसका हम नाम लिख देते हैं वी वेक्टर, जो आपको गिवन है वो इक्वल है थ्री आई माइनस जे प्लस फोर के, थ्री आई माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, एक वेक्टर ये आपको गिवन है और दूसरा वेक्टर जो गिवन है उसको हम u वेक्टर कह देते हैं, वो इक्वल है ए आई प्लस बी जे प्लस बी जे प्लस माइनस 2k, और हमें गिवन है कि v वेक्टर जो है वो u वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों वेक्टर जो हमें गिवन है वो आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल का क्या मतलब होता है कि पहले भी हम देख चुके हैं कि दो पैरेलल वेक्टर आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, मतलब कि v वेक्टर विल बी इक्वल टू c u वेक्टर। c यहां पर क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो अब यहां पर हम v और u की वैल्यूज पुट कर देते हैं, v की वैल्यू क्या है, थ्री आई माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू यू। यू क्या है, u वेक्टर हमें गिवन है ए आई प्लस बी जे माइनस 2k। ठीक है, ये हमने पुट कर दी u और v वेक्टर की वैल्यूज। अच्छा, अब यहां पे हम c को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए सी आई हैट प्लस बी सी जे हैट माइनस 2CK हैट। ठीक, 3i यहां पहले से मौजूद है माइनस j हैट प्लस 4K हैट। अच्छा, अब यहां पर आप इस इक्वेशन में देखें तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है कि दोनों के कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, x कंपोनेंट भी, y कंपोनेंट भी और z कंपोनेंट भी इसके x, y, z के इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिख देते हैं 3i हैट इज इक्वल टू होगा
ए सी आई हैट के, ठीक है। इसी तरह से माइनस जे हैट इक्वल होगा बी सी जे हैट के, ठीक है, दोनों y कॉम्पोनेंट्स इक्वल हो गए। और इसी तरह से हम k कॉम्पोनेंट्स को, मतलब कि z कॉम्पोनेंट जो है इस वेक्टर के, दोनों वेक्टर्स के इक्वल होंगे, इक्वेशन से पता चल रहा है, ठीक है। 4k इज इक्वल टू माइनस टू सी के हैट। ये हमने इक्वल क्यों रखे, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं उनके तीनों कॉम्पोनेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि आई हैट से कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 3। और यहां से जे जे से कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और यहां से के हैट कैंसिल हो जाएगा, तो सी माइनस 2 सी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें आप अगर देखें तो यहां से आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज माइनस 2। यहां से सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस 1 ओवर सी है, ठीक है। और यहां से ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 3 बाय सी। अच्छा, अब यहां हम सी की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, अब इनमें पुट कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू 3 बाय माइनस 2, माइनस 3 बाय 2 आ गई। और इसी तरह से बी पे पुट कर देते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस वन बाय सी, सी की वैल्यू माइनस 2 है, तो ये बन जाएगा प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो यही हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन के पार्ट में। तो वो हम फाइंड कर चुके हैं। किस तरह से फाइंड की, हमने, हमें कहा हुआ था कि ये दोनों वेक्टर जो हमें गिवन है वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो स्केलर मल्टीपल हमने एक दूसरे को रखा, मतलब कि वी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय यू, ठीक है। सी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जिसको मल्टीप्लाई किया यू से तो वो वी के बराबर हो गया। तो यहां से हम फिर वी और यू की वैल्यूज पुट की, फिर कंपेयरिंग हमने उसके जो है कंपोनेंट्स को कंपेयर किया, और हमारे पास तीन इक्वेशंस बनी। और वहां से हमने सी की वैल्यू फाइंड करके बाकी दो में पुट की, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई, जो कि हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है।